स्पेन अम्बेसी में इंटरव्यू के वक्त या फिर इंक्वायरी के वक्त जो आपसे सवाल किए जाएंगे वो सवाल मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। इससे पहले भी इस चीज पर एक वीडियो बन चुकी है लेकिन अब इसमें मजीद तफसील शामिल की जा चुकी है और मैं तकरीबन आपको लगभग 30 सवाल ऐसे बताऊंगा जो आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप एक फैमिली के 3 या 4 मेंबर हैं तो या 2 से ज्यादा मेंबर हैं तो मैं इस हवाले से बात करूंगा। तो इसमें इंशाल्लाह एक जो मेंबर है खाली वाइफ का या हस्बैंड का केस है वो भी कवर हो जाएंगे और बच्चों वाले के जो सवाल होते हैं जो वो बच्चों से पूछेंगे वो भी आपको पता चल जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल, सवाल नंबर 1, आपकी शादी कब हुई। सवाल नंबर 2, आपका वलीमा किस तारीख को हुआ। सवाल नंबर 3, आपके हस्बैंड शादी से कितना अरसा बाद तक पाकिस्तान में रहे। सवाल नंबर 5, के शादी करने पाकिस्तान आए थे या पहले से ही मौजूद थे, यहाँ शादी करके ही पाकिस्तान से गए थे। सवाल नंबर 6, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। और सवाल नंबर 7, अपनी भी डेट ऑफ बर्थ बताएं। और सवाल नंबर 8, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ बताएं। सवाल नंबर 9, बच्चों की तादाद कितनी है, कितने बच्चे हैं। और सवाल नंबर 10, बच्चों के नाम बताएं। सवाल नंबर 11, बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं। और सवाल नंबर 12, बच्चों की उम्र कितनी है। और यही सवाल वो सवाल नंबर 13 कर लें कि वो बच्चों से भी पूछेंगे कि आपकी उम्र कितनी है। और सवाल नंबर 14, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं स्पेन में। 15 नंबर सवाल कि वो स्पेन कब गए थे, इंटर किस तारीख को हुए थे स्पेन में। सवाल नंबर 16 ये कि उनको कार्ड कब मिला था, वहां का रेजिडेंस कार्ड। सवाल नंबर 17 के अभी जो उनके पास कार्ड है क्या वो पहला है या रिन्यू हो चुका है, अगर रिन्यू हुआ है तो कब हुआ। और सवाल नंबर 18 ये कि वो वाला अब जो उनके पास मौजूदा कार्ड है वो एक्सपायर कब होगा। सवाल नंबर 19, के शादी के बाद हनीमून पर कहाँ गए थे, अगर गए थे तो। सवाल नंबर 20 ये कि बच्चों से वो पूछेंगे आप स्कूल पैदल जाते हैं या कोई कन्वेंस लगी है, गाड़ी लगाई हुई है। सवाल नंबर 21, के आपका हक महर कितना था। और सवाल नंबर 22, के वो पे कब किया, आपको मिल चुका है, दे दिया था या उसी वक्त दिया था या बाद में दिया। सवाल नंबर 23, के आपकी रुख्सती निकाह के वक्त उसके उसी दिन हुई थी या फिर बाद में हुई थी। सवाल नंबर 24, के जो स्पेन में उनका घर है उसमें कमरे कितने हैं। और 25 नंबर सवाल घर के हवाले से ही है कि उस घर का रेंट कितना देते हैं। और 26 नंबर सवाल यह है कि वो कमाते कितना है। सवाल नंबर 27, के जॉब क्या करते हैं। सवाल नंबर 28, के वो आपको कितना खर्च भेजते हैं पाकिस्तान में, आपको वो कितने पैसे भेजते हैं। सवाल नंबर 29, के उनके बहन भाई कितने हैं और आपके बहन भाई कितने हैं। सवाल नंबर 30, के अपने ससुर जो सासू माँ है और ससुर है बाप हैं उन दोनों के नाम बताएं। और सवाल नंबर 31, अपने माँ बाप का भी नाम बताएं। और 32 नंबर पर शादी की अगर तस्वीरें बनाई हैं तो वो तस्वीरें दें। 33 नंबर पर जो बच्चों के वैक्सीनेशन कार्ड होते हैं वो दें। और 34 नंबर पर बच्चों की भी फोटोज जो डिजिटल प्रिंटेड फोटोज हैं वो भी दें। और सवाल नंबर 35 में वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो पे स्लिप्स हैं जो आपको पैसे आते हैं उनकी जो रेमिटेंस स्लिप्स हैं जो उसकी रसीदें हैं वो दें। और सवाल नंबर 36 ये होगा कि आपको आपके पास जो पैसे आते हैं वो खर्च कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होते हैं, यानी बिजली के बिल, घर के अखराजात, राशन और बच्चों के स्कूल की फीस वगैरह, ये आपने बताना है उनको। सवाल नंबर 37, के आपके हस्बैंड पाकिस्तान कब आए थे। और सवाल नंबर 38 ये होगा कि वो वापिस कब गए, जब आए थे पाकिस्तान विजिट के लिए तो किस तारीख को आए थे और गए तो किस तारीख को गए थे। तो ये तफसीली सवाल हैं जो हमें मिले हैं उन क्लाइंट से जो इंटरव्यू देकर आए हैं, जो अम्बेसी से होकर आए हैं, जिनमें हमें हमारे साथ ज्यादा तावन किया है फजर नूर ने, सब्सक्राइबर है हमारे, उन्होंने ये सारी तफसील लिखी भी है। और इसके अलावा एक और क्लाइंट होकर आए हैं अम्बेसी से, उन्होंने भी जो सवाल मुझे बताए थे वो सारे इस लिस्ट में शामिल है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लिस्ट ये आपके काम आएगी, ये जो वीडियो या अपडेट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं आपके काम आएगी। फर्दर अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।